कोरोना की दूसरी लहर के चलते हुए उपमंडल सवार घाट में कोरोना से जंग जीतने के लिए अब पंचायत प्रतिनिधियों ने मोर्चा संभाल लिया है। इसी कड़ी में ग्राम पंचायत को टहला के पंचायत प्रतिनिधि भी अपने स्तर पर कोरोना महामारी को हराने के लिए गांव-गांव निकल पड़े हैं और सैनिटाइजेशन को हथियार बनाकर इस महामारी से निपट रहे हैं। कुटहला पंचायत के प्रधान बालकृष्ण ठाकुर ने बताया कि पंचायत द्वारा पहले कोरोना प्रभावित गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है, इसके बाद पंचायत के सभी 7 वार्डों के गांवों को सैनिटाइज किया जाएगा। ठाकुर, हमने पिछले कल से ही जो है सैनिटाइज की जो है करने की मुहिम जो है शुरू कर दी है। पिछले कल हमने बाढ़ घाट में किया था, आज हम बाढ़ दुबेटा में आ गए हैं। हमारे पंचायत के जितने भी प्रतिनिधि है, मेंबर साहबान है, मैंने सबको कॉल करके कह दिया कि आप दवाई ले जाए, हमारे पास दवाई पहुँच गई, हमने दवाई मंगवा दी है और अपने अपने वार्ड को है प्रभावी ढंग से स्प्रे कर दें। कोई भी घर छूटना नहीं चाहिए, कोई भी गरीब बंदा छूटना चाहिए, ऐसा पार्सिटी भी नहीं करें कि जाएँ। कई बार राजनीति में होता है कि कुछ लोग नहीं जाते, तो हमने सख्त दिशा निर्देश भी दिए हैं कि ये COVID-19 की जो महामारी के केस में हम सब के साथ खड़े हैं। जो भी कोई परिवार पॉजिटिव आए हैं उनसे बार बार हम संपर्क में हैं, उनको राशन भी दे रहे हैं, दवाइयाँ भी दे रहे हैं, उनसे हाल चाल भी पूछ रहे हैं और कोई दिक्कत हो तब भी उनका हम मदद कर रहे हैं। ग्राम पंचायत से पहले हर वर्ग उनकी प्यार है और ये मुहिम हमने शुरू कर दी है। और एक और नई बात है कि सावित्री को हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी हमारी पंचायत कुटैला में आए थे, तो हमने उनसे सड़कों की डिमांडें कुछ रखी थी, वो हमारी डिमांडें जो सरकार ने मान ली है, उसमें काफला पंगा सड़क हो चाहे दूसरी सड़कें हैं, उसके लिए मैं माननीय जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश का धन्यवाद करता हूँ। और यहाँ से मुख्य प्रवक्ता श्री विजय जी। लोकहित एक्सप्रेस के लिए स्वार घाट से रोहित ठाकुर की रिपोर्ट।